बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है आगे आने वाला। दरअसल बालवीर जो है, आपने जैसे प्रोमो देखा कि बालवीर की शक्तियाँ छीन ली जाती है शौर्य द्वारा, क्यों कैसे वो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी काल्लोक वालों के हिसाब से अभी भी है बालवीर। तो बस यही में धरती लोक पे बालवीर आता है और वो कैसे आने वाले एपिसोड्स में इन जो काल्लोक वाले हैं उनके सामने टकराता है, उनके सामने मुकाबला करता है, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं, वो बालवीर ही है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे विवान इसकी हेल्प करता है, करुणा जी अननोइंगली उसे अपना बेटा मानती है, जो आपको यहाँ पे कई सारे सीन्स में देख रहा है कि कैसे हम फाइट कर रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। सो तिम्नासा का जो मैजिक है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है, क्योंकि हमने सर्वकाल को यहाँ पे दिखाया है। सर्वकाल जो है बहुत ही बिगर एंटिटी है तिम्नासा से भी, जिसके पास बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं, और तिम्नासा की शक्ति का असली स्रोत भी वही सर्वकाल है। तो बस उसी से लड़ने के लिए हमारा ये सब चल रहा है कैसे, और उसी के बीच में बालवीर की शक्तियाँ भी छीन ली जाती है। तो एट द एंड सर्वकाल को कैसे नष्ट किया जाए, तिम्नासा को कैसे रोका जाए, यही हम प्लान कर रहे हैं। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बालवीर के सामने शक्तियाँ भी छीन ली गई हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे लड़ना भी है। बुरी शक्तियाँ धरती पर आ रही है, बच्चों को परेशान कर रही है, विवान को मारना चाहती है। तो यही हमारा प्ले अराउंड है कि कैसे बालवीर आने वाले एपिसोड्स में इन सब के सामने टकराएगा। जी आप देख सकते हैं मेरा नया लुक है, बेबू का जो नया लुक है वो बहुत ही आने वाले एपिसोड्स में लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। बालवीर का किरदार तो मैं निभाता ही आया हूँ पिछले कई वर्षों से, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में एक नया कैरेक्टर बालवीर जो बिना शक्तियों के भी कैसे लड़ता है, कैसे इस सबका सामना करता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही नया ट्विस्ट, बहुत ही अलग ट्विस्ट जो आज तक इंडियन टेलीविजन में नहीं देखा गया, कि कैसे एक सुपर हीरो बिना पावर्स के इस दुनिया की रक्षा करता है, बुराई के सामने लड़ता है, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।